हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ही चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप जो ये क्रीम्स यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, मेलास क्रीम या स्किन लाइट क्रीम, ब्राइट क्रीम, मतलब मुझे नाम भी नहीं पता है, मार्क्स को गो मार्क्स और न जाने कितनी क्रीम्स हैं गोरा होने के लिए, चेहरे को बहुत सुंदर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आज उन्हीं के लिए है। क्या आप खुद ही सोचो कि यह कोई क्रीम से आप गोरे हो सकते हो? हाँ, हो सकते हो थोड़े दिनों के लिए। जब आप उस क्रीम को यूज़ करना छोड़ देंगे तो आप क्या देखेंगे कि आप बिल्कुल बेदाग हो चुके हो, आपकी जो स्किन थी वो पहले से भी बेकार हो चुकी है। मैं आपको सबसे पहले यही बोलूँगी कि आप जैसे भी हैं अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करें, और ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दें। आपको क्या करना है, आपको ज़्यादातर आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए घर में ही जो चीज़ें हैं, और अगर आप बाहर की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से यूज़ कीजिए। कई बार मैंने सुना है कि डॉक्टर भी इन्हीं चीज़ों इन्हीं क्रीम्स को यूज़ करने को बोलते हैं, तो प्लीज़ आप उन चीज़ों से बचें। गो मार्क्स नो मार्क्स जो भी क्रीम है, मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि एक दो बार मैं भी इन चीज़ों में धोखा खा चुकी हूँ। स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाती है, आइस पर इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, स्किन पर इफेक्ट पड़ता है, और हम कहीं जाने के लायक नहीं रहते क्योंकि स्किन इतनी ख़राब हो जाती है। और ज़्यादातर क्या होता है कि जब वो लोग इस क्रीम को यूज़ करते हैं तो वो धूप में जाते हैं तो उनकी स्किन रेड हो जाती है, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, या स्किन पर कील मुहासे पड़ जाते हैं। इस क्रीम को छोड़ते हैं तो स्किन काली पड़ जाती है। तो मैं आज उन्हीं के लिए ये आयुर्वेदिक चीज़ें लाई हूँ जिनसे 100% आपकी जो स्किन है वो पहले जैसी से हो जाएगी, आई होप। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियोस को आपने काफ़ी लाइक किया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे इनको यूज़ करना है। अब सबसे पहले मेरी यही आपसे कहना है कि आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। आप अपने आप को ये सोचिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ, ये सबसे अच्छी हूँ। ये जो मैं आपको बता रही हूँ रेमेडीज सबसे आप सभी के लिए है, लड़के वो लड़कियाँ जो भी हैं, सब जो इस क्रीम इन क्रीम्स से बचना चाहते हैं या फिर इससे इसके अंदर आ चुके हैं, इससे हटना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इन क्रीम्स, मान लीजिए आप कोई भी इसमें से क्रीम यूज़ कर रहे हैं, मेलास गो मार्क्स जो भी है, तो आप उस क्रीम को एकदम से मत छोड़िए। आप अगर दिन में उसको दो बार लगाते हैं तो एक बार लगाना शुरू कीजिए। मोस्टली लोग रात में लगाते हैं तो दो दिन में उसको एक बार लगाना शुरू कीजिए, फिर हफ्ते में दो बार लगाना शुरू कीजिए, फिर 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार, इस तरीके से आप उसको छोड़िए। और जब भी आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो जब आप जैसे दो दिन में उसको एक बार लगा रहे हैं तो उसके साथ कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी क्रीम लगा के उसको तब यूज़ कीजिए, ताकि जो आपकी क्रीम है उसकी हैबिट उसको ना बन पाए, वो उसको छोड़ना चाहे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको डेली जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, आपको जो उसमें से ठीक लगती है आप वो कीजिए। आपको सबसे बेस्ट जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। मार्केट में ये पतंजलि का या कोई भी एलोवेरा जेल आप खरीद सकते हैं, मगर मुझे ये इतना बेस्ट नहीं लगता है जितना बेस्ट घर का एलोवेरा होता है। आप घर में कैसे इसको उगा सकते हैं ये भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। और आपको क्या करना है, घर का एलोवेरा जेल निकालना है और आपको उसको अपनी स्किन पर डेली मालिश करनी है। ओके, डेली आप उसको अपनी सुबह शाम मालिश कीजिए, जैसे कि फेशियल करते हैं, अपनी स्किन पर इस तरीके से फेशियल कीजिए, माथे पर, नेक पर और नोज़ पर, चिन पर, उस पर मालिश कीजिए, और 10-15 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए और फिर धो लीजिए। कई लोग बोलते हैं कि हमें एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप इसके साथ कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको एलोवेरा से सूट नहीं करता, कई लोगों को एलर्जी की दिक्कत रहती है, तो वो एलोवेरा जेल में कोकोनट ऑयल की बूंदें डालकर उसको यूज़ करेंगे तो उसको उनको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है, मैं आपको इनकी आइस क्यूब भी बता चुकी बताऊंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके भी लिंक दे दूंगी कि आप इसकी आइस क्यूब्स कैसे बना सकते हैं। तो आपको ये यूज़ करना है, जैसे कि ये मेरे पास एलोवेरा जेल है, ये थोड़ा मैंने काफ़ी देर से रखा हुआ है तो ऐसा हो गया है। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें गोले का थोड़ा सा तेल डालना है, कोकोनट ऑयल, जैसे कि ये रहा मेरे पास कोकोनट ऑयल, इसको इसमें डालना है, इसकी कुछ बूंदे,
और फिर इसको इस तरीके से करके अपने हाथ पे रब करना है, अच्छे से रब करते रहना है बहुत देर तक, सॉरी अपने स्किन पर। और अपनी स्किन की इस तरीके से मालिश करेंगे ना आप एलोवेरा जेल से, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, और आपकी स्किन अगर काली पड़ गई है तो वो भी ठीक हो जाएगी। आप चाहें तो एलोवेरा के लीव्स को तोड़ के अच्छे से धो के इसका ये पत्ता हटा के उसको इस तरीके से अपनी स्किन पर रब कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है ये खीरे का। आपको क्या करना है, खीरे को क्रश करना है और खीरे का की भी आप अपनी स्किन पर मसाज करेंगे तो ये भी आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। नेक्स्ट है पटैटो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है तो आप एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये पटैटो भी यूज़ कर सकते हैं। पटैटो को क्रश कर लीजिए और इसको भी अपनी स्किन पर इस तरीके से रब कीजिए, तो क्या होगा, जो आपकी स्किन काली पड़ गई है या जो दिक्कतें हैं आपकी स्किन की वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपको टमाटो का रस। ये टमाटर का रस है मेरे पास, आप टमाटर का रस निकाल लीजिए और उसको अपनी स्किन पर लगा दीजिए। इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, मालिश करके बस 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर अपने स्किन को ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से धो लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपकी स्किन है वो डैमेज होने से बच जाएगी फ्रेंड्स, रियल में मैं आपको इसका भरोसा दिलाती हूँ, ये 100% आपकी स्किन पर बहुत अच्छा इफेक्ट नज़र आएगा। नेक्स्ट अगर आप इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आपको झंझट लगता है, तो आप घर पर ही ये जैसे लोटस का स्क्रब है मेरे पास या एवरयूथ का स्क्रब भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, आप इसको यूज़ कीजिए हफ्ते में एक बार, ये भी आपकी स्किन को अच्छा बनाएगा। और आप फेस मास्क ये वाला ले सकते हैं, गोल्डन पील ऑफ मास्क, ये स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। और आप चाहें तो ग्रीन टी की आइस क्यूब बनाकर अपनी स्किन पर रब कर सकते हैं। आपको पानी लेना है, उसमें ये ग्रीन टी को ऐड करना है और फिर ट्रे में डाल के आइस क्यूब बना लेनी है। आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं मेरी वीडियोस में। और नेक्स्ट है सबसे जो बेस्ट है एलोवेरा है, और उसके बाद ये है। ये क्या है आप सभी जानते होंगे, ये मेरे पास मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, मैंने इसकी कई वीडियोस बना भी रखी हैं, आप देख सकते हैं। उनमें क्या होता है, मुल्तानी मिट्टी से जो हमारे स्किन की जो दिक्कत है ये इसको बहुत अच्छे से ठीक करता है, हमारी स्किन को लाइट ब्राइट बनाता है। आपको क्या करना है, आप मार्केट से इसका पाउडर भी खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरे पास यही है। आप इसको रात भर भिगो देंगे जितनी आपको यूज़ करनी है, जैसे कि एक बार में इतनी काफ़ी होती है, आप इसको भिगो देंगे और ये सुबह तक मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको थोड़ा सा चम्मच से क्रश कर लीजिए और फिर उसमें हल्दी ऐड करके, अगर आपके स्किन पर, कई लोग बोलते हैं कि पिंपल हो गए हैं, तो आप अपने पूरे फेस पर उसको अप्लाई कर लीजिए और जहाँ पिंपल हो वहाँ पर उसको थोड़ा ज़्यादा लगा लीजिए। उससे क्या होगा, जो आपके पिंपल्स हैं वो बिल्कुल हट जाएंगे अच्छे से। उसके बाद अगर आपको इसका फेस मास्क यूज़ करना है तो आप इसमें बेसन, नींबू, आप मुल्तानी मिट्टी में बेसन, नींबू और शहद ऐड करके फिर अपने फेस पर लगाइए फ्रेंड्स, आपकी स्किन बहुत ब्राइट हो जाएगी। आप मेरे इन नुस्खों को अपनाएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा नज़र आएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप शहद को भी यूज़ कर सकते हैं, शहद को अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपकी स्किन को बहुत अच्छा बनाने में सहायता करेगा। नेक्स्ट आपके पास, आप क्या करें, आपके चाहे दिक्कत हो या ना हो, आप डेली रात को अपने फेस पर गुलाब जल का टोनर ज़रूर दें। गुलाब जल ले लीजिए, घर का बना हुआ गुलाब जल ज़्यादा अच्छा रहता है, उसको आप अपनी स्किन पर स्प्रे कर दीजिए इस तरीके से और फिर अपनी स्किन को थोड़ा सा फेशियल टाइप में कर दीजिए और फिर सो जाइए। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा बनाने में सहायता करेगा फ्रेंड्स। तो अगर आप बहुत परेशान हैं तो प्लीज़ इन नुस्खों को अपनाइए, आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको एलोवेरा यूज़ करना है, एलोवेरा यूज़ कीजिए, मैंने आपको कई सारी चीज़ें बता दी हैं, आप घर पर इनको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट से आप बच जाएंगे। जैसे कि एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी में हल्दी डाल के यूज़ कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए, आपकी जो स्किन है वो पहले जैसी फिर से हो जाएगी। और आप इन चीज़ों को यूज़ ना कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और ये क्रीम बनाने वालों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन क्रीम्स को मत बनाइए, लोगों को पागल मत बनाइए, लोगों की स्किन ख़राब हो जाती है। आप कुछ पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की स्किन को ख़राब कर देते हैं और गोरा होने के चक्कर में कभी भी मत पड़िए। जैसे आप हैं, काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि हम बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।